टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मर्जिया जी, जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या आपको कहना है इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। जैसे कि हम सब जानते हैं, पिछले 2-2.5 सालों से कोविड की वजह से हम लोग जिस तरीके से ईद सेलिब्रेट करते हैं उस तरीके से नहीं कर पा रहे थे। बहुत सादगी से और सिंप्लिसिटी से ही घर के अंदर ही हम लोग ईद मना पा रहे थे, पर इस साल अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के रिस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं। 2-2.5 साल बाद हम लोग वैसे ही ईद मनाएंगे जैसे मनाते थे। और हम लोगों में रमज़ान ईद और बकरा ईद ही दो ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो वर्ल्ड वाइड बहुत धूमधाम से, बहुत सेलिब्रेशन से, बहुत तैयारियों से मनाते हैं। पिछले 2-2.5 साल सभी पर बहुत टफ गए हैं। कोई सेलिब्रेशन नहीं, कुछ खुशियों जैसा माहौल ही नहीं था रमज़ान में, ईद में कुछ नहीं हो पा रहा था सही से। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना इस साल ईद की जो बधाई है कुछ अलग तरीके से दी जाए, कुछ यूनिक किया जाए जो अभी तक के नहीं हुआ है। तो मुमरा कौसा की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए मैंने ऐसा सोचा है कि हम लोग फ्री मेहंदी ईद फेस्टिवल रखेंगे, जिसमें मुमरा कौसा की लड़कियों को फ्री में मेहंदी लगाई जाएंगी। 28वें रोज़े को हम लोग ये प्रोग्राम रखेंगे मगरिब के बाद इंशाल्लाह, 7:30 बजे से देर रात तक ये प्रोग्राम रहेगा, सिर्फ केवल महिलाओं के लिए रहेगा। और मैं ये प्रोग्राम के लिए महिलाओं को क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका जो मेहंदी फेस्टिवल है, फ्री मेहंदी फेस्टिवल, उसके लिए महिलाओं को कैसे जुड़ना पड़ेगा? जो अभी आपको हम लोग बताएंगे वो नंबर्स आप वीडियो के अंदर डाल दीजिए, तो उस पर उनको रजिस्टर करना है। वो उसमें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, क्योंकि मैंने स्मॉल बैनर जैसा जो PDF की फ़ोटो आती है वो मैंने डाल चुकी हूँ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, तो उसके थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। पर मीडिया के माध्यम से मेरा ये अपील है कि और लोग इसमें शामिल हो, ताकि हम लोग एक न्यू चीज़ मुमरा में शुरू कर सकें, जिसको हम लोग हर साल इंशाल्लाह एक सेलिब्रेशन के तौर पर रखेंगे, जिससे हमारा त्यौहार और खिलके उठेगा। और मेहंदी लगाना तो हर लड़की को पसंद है और हमारी सुन्नत भी है, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ लव, ऑफ सेलिब्रेशन, ऑफ टुगेदरनेस। अभी तक के कितने लोगों ने आपके इस कंसेप्ट में हिस्सा लिया? हम लोगों की आई थिंक 150 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है ऑलरेडी। और अब हम लोग ने कोई ऐसा टारगेट, कोई ऐसा नंबर सेट नहीं किया है कि सिर्फ उतने ही। रजिस्ट्रेशन हम लोग 26 तारीख तक के ही ले रहे हैं, तो तब तक के जितने रजिस्ट्रेशन होते जाएंगे इंशाल्लाह हम लोग लेते जाएंगे। और उस चीज़ के लिए बेफिक्र रहना है, जो प्रोग्राम है वो सिर्फ महिलाओं का ही रहेगा, और मेहंदी आर्टिस्ट भी हमने महिलाएँ ही रखी है। और सबसे बड़ा ये प्रोग्राम रखने का मेरा मकसद ये था कि इससे खुशी तो खुशी की अलग रहेगी लोगों को, जिन लोग लड़कियों को, बच्चियों को मेहंदी लगेंगी उससे। और हम मैंने ऐसा किया है कि हम लोगों ने हर जगह से मेहंदी आर्टिस्ट को कोशिश की है, जितना हो सके जितने मेहंदी लोकल मेहंदी आर्टिस्ट है जो लोगों को मेहंदी लगाने आती है, लड़कियों को जो घर बैठे, तो उनको एक रोज़गार का तरीका भी मिल जाएगा ईद से पहले, इसलिए 2 दिन पहले भी रखा है, उनको रोज़गार का एक तरीका भी मिल जाएगा। हम उनको, क्योंकि हम लोग जो कंटेस्ट जो रहेंगे, जो पब्लिक आएंगे, उनसे तो कुछ नहीं लेना, उनके लिए फ्री ही है, पर हम जो है वो तो ऑफकोर्स मेहंदी आर्टिस्ट को पे करेंगे, तो उनको एक रोज़गार का मौका भी मिल जाएगा और खुशी की खुशी अलग सेलिब्रेट करेंगे सब लोग। डायमंड हॉल, डायमंड हॉल में रहेगा, 28वें रोज़े को रहेगा इंशाल्लाह मगरिब के बाद। टाइमिंग क्या रहेगी? मगरिब के बाद 7:30 बजे हम लोग शुरू करेंगे इंशाल्लाह, देर रात तक रहेगा। शुक्रिया, जजाकल्लाह। डायमंड हॉल में रहेगा, 28वें रोज़े को रहेगा इंशाल्लाह मगरिब के बाद। टाइमिंग क्या रहेगी? मगरिब के बाद 7:30 बजे हम लोग शुरू करेंगे इंशाल्लाह, देर रात तक रहेगा। शुक्रिया, जजाकल्लाह। मैं आपसे इंशाल्लाह 28 तारीख को मिलूँगी।